ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पोको M4 प्रो 4G के वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही तगड़ा सपोर्ट दिखाया था, तो उसके लिए थैंक यू। और अब मेरे दोस्त, हमारे हाथ में पोको M5 भी आ चुका है और मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फुल रिव्यू फॉर दिस स्मार्टफोन, चलिए क्यों ना इसको हम लोग डायरेक्टली पोको M4 प्रो के साथ ही कंपेयर करते हैं। व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकी निकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मेरे दोस्त, हम पोको M5 वर्सेस पोको M4 प्रो 4G दोनों का एकदम डिटेल में कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या आपको ज्यादा स्पेंड करके पोको M4 प्रो लेना चाहिए नहीं, या फिर आप कम पैसे में पोको M5 में सेटल कर सकते हो या नहीं। एकदम लॉन्ग कंपैरिजन होने वाला है, सब कुछ पता चल जाएगा। बट सबसे पहले मैं इसके स्टोरेज वेरिएंट को लेकर बात कर लेता हूँ। तो जो पोको M5 है, ये 4GB रैम एंड 64GB से स्टार्ट होता है फॉर 12,500 रुपीज। बट जो M4 प्रो 4G है, ये 6GB रैम 64GB के साथ स्टार्ट होता है फॉर 15,000 रुपीज। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों ही फोन में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, यानी कि दोनों ही फोन में आप दो सिम कार्ड और एक SD कार्ड एक ही साथ यूज कर पाओगे। तो स्टोरेज एक्सपेंशन को लेकर दोनों में से किसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए, इसको जब हमने मेंशन कर दिया, डिटेल रिव्यू में आगे बढ़ते हैं या कंपैरिजन। और राइट गाइस, तो मेरे लेफ्ट साइड में है पोको M5 और मेरे राइट साइड में है पोको M4 प्रो 4G। और सबसे पहले अगर हम डिजाइन को लेकर बात करें, तो गाइस ये आपको पता ही होगा कि बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। आई थिंक दोनों ही फोन यहाँ पर काफी खूबसूरत दिखाई देता है, बट पोको M5 थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत है। देखिए, इसका मेन रीजन है बैक पैनल में डिजाइन। जो पोको M4 है वहां पर आपको हल्का सा सैंडी टाइप का टेक्सचर मिलता है, बट जो पोको M5 है वहां पर आपको हल्का सा लेदर टाइप फिनिश मिलता है। डू रिमेम्बर, दोनों ही आपको पॉलीकार्बोनेट बैक ही मिलता है, बट जो फिनिशिंग है वो इनको यहाँ पर सेपरेट करता है। दोनों में से किसी में भी फिंगरप्रिंट समाजेस यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, बट जो पोको M5 है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पर हल्का सा हो जाता है, बट M5 में बिल्कुल भी नहीं। बिल्ड क्वालिटी में हालांकि एक नोटिसेबल डिफरेंस आपको नजर आएगा, वो है वेट में। जो पोको M5 है उसका वेट है अराउंड 201 ग्राम, लेकिन जो पोको M4 प्रो है उसका वेट है अराउंड 180 ग्राम। और डेफिनेटली आप फील कर पाओगे कि पोको M4 प्रो थोड़ा सा हल्का यहाँ पर फील होता है हाथों में। बट एक चीज गाइस, दोनों में आप देखिए एकदम फ्लैट एजेस आपको मिल जाते हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली दोनों ही फोन में बहुत अच्छी तरीके से किया गया, अच्छी तरीके से आप ग्रिप कर पाओगे, तो फोन होल्ड करना यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो या बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फोन का बहुत ही सॉलिड है, बस पोको M4 प्रो थोड़ा सा हल्का यहाँ पर फील होता है। और चलिए क्विकली फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, तो चलिए दिखा देता हूँ दोनों का फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर चेक करके। आप देख ही सकते हो कि दोनों ही बहुत ही यहाँ पर एक्यूरेट है एंड ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे ओपन होता है। पोको M4 प्रो मे बी स्लाइटली हल्का सा आगे, बट दोनों का फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर बहुत ही एक्यूरेट है। और डिस्प्ले में गाइस मेजर डिफरेंस है। जो पोको M5 है वहां पर आपको मिलता है एक LCD पैनल, लेकिन जो पोको M4 प्रो 4G है वहां पर आपको मिलता है एक AMOLED पैनल। अब LCD वर्सेस AMOLED एक बहुत ही पुराना डिबेट है, इस पे मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट दोनों का डिस्प्ले गाइस काफी सही है प्राइस के अकॉर्डिंग। बट डेफिनेटली जो पोको M4 प्रो है वहां पर डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा, बट आप देख सकते हो कि व्यूइंग एंगल्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों ही फोन का व्यूइंग एंगल यहाँ पर बहुत ही सही है। और दोनों ही फोन में गाइस जो ब्राइटनेस है वो भी आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैंने दोनों को आउटडोर में यूज करके देखा था, आप यहाँ पर काफी अच्छा डिस्प्ले को यूज कर पाओगे आउटडोर्स में। और एक चीज आप डेफिनेटली नोटिस कर सकते हो कि जो पोको M5 है वहां पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, बट जो पोको M4 प्रो 4G है वहां पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिलता है। तो डेफिनेटली पंच होल देखने में ज्यादा मॉडर्न दिखाई देता है। इन माई ओपिनियन पोको को M5 में भी यहाँ पर एक पंच होल प्रोवाइड करना चाहिए था, उस हिसाब से गाइज ये और थोड़ा सा मॉडर्न लगता है। और एक चीज गाइज बेजल्स को लेकर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही फोन में आपको काफी बिग बेजल ही मिल जाता है। तो आई गेस पोको M4 प्रो में एक्चुअली थोड़ा सा नैरोअर होना चाहिए था प्राइस के अकॉर्डिंग। पोको M5 में मैं यहाँ पर ज्यादा जज नहीं करूंगा। और एक चीज गाइज, दोनों ही फोन में आपको वाइड वन 11 का सपोर्ट मिल जाता है। एज यू कैन सी प्राइम वीडियो यहाँ पर एकदम फुल HD में ये स्ट्रीम कर पाएगा डिस्प्ले में। और एक चीज गाइज कि दोनों ही फोन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट पैनल मिल जाता है। 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट है दोनों ही डिस्प्ले में, और टच रिस्पॉन्स मुझे काफी स्मूथ लगा था। इवन जो स्क्रॉलिंग वगैरह है पोको ने बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों ही फोन में ऑप्टिमाइज किया है। आपका जो रेगुलर ब्राउजिंग है या फिर जो रेगुलर स्क्रॉलिंग है वो यहाँ पर काफी स्मूथ दिखाई देगा। सो या कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और फाइनली प्रोटेक्शन के लिए आपको दोनों ही फोन में सेम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिल जाता है। तो ओवरऑल गाइज अगर मैं डिस्प्ले सेगमेंट को सम अप करूं, देन डेफिनेटली यहाँ पर पोको M4 प्रो 4G बेटर है। बट अगेन गाइज ध्यान रखना होगा कि इसका प्राइस भी ज्यादा है। और एक मेजर डिफरेंस आपको नोटिस होगा वो है स्पीकर में। जो पोको M5 है वहां पर आपको एक सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है, लेकिन जो पोको M4 प्रो 4G है वहां पर आपको डुअल स्पीकर मिलता है। मैंने यहाँ पर स्टीरियो नहीं कहा है, बिकॉज
सेकेंड वाला जो स्पीकर है वो डेडिकेटेड नहीं है, वो ईयरपीस के थ्रू होता है। बट सिंगल स्पीकर होने के बावजूद भी पोको M5 का स्पीकर मुझे काफ़ी लाउड लगा है, काफ़ी क्लैरिटी अच्छी है। बट हाँ, पोको M4 प्रो में ये स्लाइटली लाउडर है, बट क्लैरिटी में ओवरऑल यहाँ पर सेम ही कहूँगा। अब अगर मैं क्विकली नेटवर्क को लेकर बात करूँ, देन पहले जब मैंने पोको M4 प्रो 4G को यूज़ किया था तब मैंने सिम कार्ड डाल के देखा था, यहाँ पर भी 4G प्लस का रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है। हालांकि M5 में मैंने 4G प्लस यहाँ पर नोटिस नहीं किया था, बट नेटवर्क को लेकर कोई भी प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया था। वाईफाई ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं होता है, नेटवर्क ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं होता है। दोनों ही फ़ोन का जो माइक्रोफोन है वो बहुत ही बढ़िया है, आप इजीली फ़ोन कॉल्स ले पाओगे। हालांकि एक माइनर सा पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आउट करना होगा, वो है कि जो पोको M5 है यहाँ पर आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं मिलता है, विच इज़ काइंड ऑफ अ बमर। IR ब्लास्टर आपको दोनों में मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं मिलता है। बट मैंने फिर भी कॉल लेके देखा है, उतना ज़्यादा मैंने यहाँ पर डिफरेंस नोटिस नहीं किया था, बट अगर प्रोवाइड कर देते देन बढ़िया होता। और एक्चुअली अब परफॉर्मेंस को लेकर बात करते हैं, तो जो पोको M5 है वहाँ पर आपको न्यू MediaTek Helio G99 का चिपसेट मिलता है, लेकिन जो M4 Pro 4G है वहाँ पर आपको Helio G96 का प्रोसेसर मिलता है। एंड डू नोट, यहाँ पर मेरे पास जो पोको M5 है वहाँ पर एक्चुअली 6GB रैम है LPDDR4X, बट जो M4 Pro 4G है यहाँ पर एक्चुअली 8GB रैम है। और इस सेगमेंट में मैं एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो पोको M5 है उसका परफॉर्मेंस बेटर है। ऐप ओपनिंग्स आर एक्चुअली फास्टर हेयर, और यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग है, जो रैम मैनेजमेंट है वो तो काफ़ी इक्वल है। बट आपको फिर से ध्यान रखना होगा कि दोनों फ़ोन में जो रैम है वो अलग है। पोको M5 में 6GB रैम है, बट पोको M4 Pro में एक्चुअली 8GB रैम है मेरे पास। बट फिर भी गाइस, रैम मैनेजमेंट मुझे यहाँ पर बहुत ही इक्वल लगा है। तो पोको ने एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है ऑप्टिमाइजेशन को लेके इस न्यू M5 में। अगेन गाइस, M4 Pro में भी परफॉर्मेंस काफ़ी सही है, बट फिर भी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे एक्चुअली M5 में बेटर लगा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कम प्राइस में आपको एक्चुअली बेटर परफॉर्मिंग स्मार्टफोन यहाँ पर मिल रहा है। तो पोको ने एक्चुअली मेन टारगेट इस फोन को परफॉर्मेंस सेंट्रिक लोगों के लिए किया है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि M4 Pro में परफॉर्मेंस बेकार है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही फोन में आप काफ़ी अच्छा खासा मल्टीटास्किंग कर पाओगे, दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस काफ़ी सही है। बट हाँ, M5 का परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है। और अगर गेमिंग को लेकर बात करूँ, देन दोनों ही फोन में मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले किया था, और दोनों ही फोन में मैंने लो सेटिंग्स में हाई फ्रेम रेट्स में खेला था। और गाइस, बहुत ही सही यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस था। M4 Pro में तो सही था, बट अगेन जिस प्राइस में M5 ये गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है वो बहुत ही शानदार बात है। अराउंड 13,000 रुपीज़ में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस मिल रहा है, और काफ़ी कंसिस्टेंट है, लॉन्ग टर्म गेमिंग आप कर पाओगे। तो इस प्राइस में अगर आप गेमिंग को कंसिडर करना चाहते हो, दोनों ही फ़ोन आई गेस एक काफ़ी सही चॉइस होने वाला है। एंड M5 इवन एक बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन है इस सेगमेंट में। और अब बात करते हैं दोनों के सॉफ्टवेयर को लेके, तो दोनों ही फोन में आपको MIUI 13 मिल जाता है, बट बहुत ही शानदार बात यह है कि दोनों ही फोन में आपको Android 12 का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, Android 12 के जो फीचर्स है आप उनको यहाँ पर इस्तेमाल कर पाओगे। एज यू कैन सी, यहाँ पर जो डायनामिक थीम वाले कीबोर्ड है, मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको नजर में आ जाए। तो डायनामिक कीबोर्ड यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, जो नोटिफिकेशन या फिर ओवरऑल UI में जो कलर एलिमेंट्स है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दोनों ही फ़ोन का गाइज, मुझे ये जो UI है, जो सॉफ्टवेयर है, वो बहुत ही स्टेबल लगा है, कोई भी मेजर बग्स मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं किया था। एंड इवन गाइज, एडवेट का कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आफ्टर इनिशियल बूट आपको कुछ ब्लोटवर्ड्स मिल जाएंगे, बट हाँ, उनमें से मैक्सिमम को आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, तो UI काफ़ी स्टेबल है। ऑलराइट, अब बात करते हैं इनके कैमरास को लेके। तो जो M5 है यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, और फिर सिर्फ डेप्थ और मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का। बट जो M4 Pro 4G है यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। और सैंपल अब आप देख लीजिए। अब रियर कैमरा सैंपल पे आप देख सकते हो कि कलर्स बहुत ही सिमिलर है दोनों फोन का, तो ट्यूनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट जो डायनामिक रेंज है वो डेफिनेटली M4 Pro 4G का बेटर है। एज यू कैन सी, जो हाईलाइट पार्ट है वो एक्चुअली M5 में थोड़ा सा ओवर एक्सपोज है। तो ये चीज़ आप हर एक इमेज में नोटिस करोगे, जो ज़्यादा हार्श लाइटिंग के पार्ट होते हैं उसको M5 उतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है। बट कंपेयर टू दैट, पोको M4 Pro उनको काफ़ी अच्छी तरीके से वेल बैलेंस करता है। बट डिटेल्स दोनों ही फ़ोन का मुझे ऑलमोस्ट सेम लेवल का लगा है। और अगर मैं फ्रंट कैमरास को लेकर बात करूं, तो M5 में आपको मिल जाता है एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर, बट M4 Pro 4G में आपको मिल जाता है एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर फ्रंट साइड में। और इसका भी सैंपल देख लीजिए। सेल्फी कैमरा में एक चीज़ आप क्लियरली देख पाओगे कि जो M4 Pro है उसका डिटेल्स मच बेटर है। हालांकि हल्का सा ओवर शार्पनिंग इफेक्ट भी आपको वहां पर दिखाई देगा,
बट फिर भी ऑन एन एवरेज आपको डिटेल्स M4 Pro में बेटर मिलता है। M5 में जो सेल्फीज है वो काफ़ी सॉफ्ट है, हालांकि स्किन टोन इट्स सब्जेक्टिव, दोनों में से किसी को मैं ज़्यादा एक्यूरेट नहीं कहूँगा, बट हाँ दोनों से या प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट सेल्फीज कैप्चर कर पाओगे। अब चलिए बात करते हैं इनके बैटरीज को लेकर। तो दोनों ही फोन में आपको सेम 5000 मिली एम पावर का बैटरी मिल जाता है, और भाई बैटरी लाइफ दोनों ही फोन में बहुत ही शानदार है। इजीली आपको एक दिन से ऊपर यहाँ पर बैकअप मिल जाएगा, अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स कभी कभी आपको यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। बैटरी लाइफ गाइस डेफिनेटली बहुत ही शानदार है, बट चार्जिंग में डिफरेंस है। M4 Pro 4G 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट M5 सिर्फ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो M5 चार्ज होने में ऑलमोस्ट 2 आवर्स से ऊपर तो ले ही लेगा, बट जो M4 Pro 4G है ये अराउंड 90 मिनट्स लेता है, तो चार्जिंग के सेगमेंट में ये थोड़ा सा आगे रहता है। लेकिन अगर मैं हीटिंग को लेकर बात करूँ, देन गाइस आई हैव रियली गुड न्यूज़। दोनों ही फ़ोन का थर्मल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। इवन जब मैं दोनों ही फ़ोन में एक्सटेंसिव गेमिंग कर रहा था तब भी आप वार्म कह सकते हो, लेकिन ओवर हीट यहाँ पर नहीं कह सकते। थर्मल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, दोनों में से कोई भी फ़ोन यहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं करेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो पोको M5 है ये आपको 12.5000 रुपीज़ में मिलता है, और इस प्राइस में ये प्रॉबेबली बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन है। और अगर आप गेमिंग करना चाहते हो इस प्राइस में, आप ज़्यादा बजट इंक्रीज नहीं कर सकते हो, देन पोको M5 आपके लिए बहुत ही सॉलिड चॉइस होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो, देन मैं फिर भी पोको M4 Pro 4G को यहाँ पर कंसिडर करना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पर जो डिस्प्ले है, जो स्पीकर है वो बेटर है, एंड ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस इसका बेटर आ रहा था। हाँ, ज़्यादा आपको यहाँ पर स्पेंड करना होगा, बट अगर आप स्पेंड कर सकते हो देन आप बिल्कुल M4 Pro 4G को कंसिडर करो। ओवरऑल एज अ स्मार्टफोन ये M5 के कंपैरिजन में बेटर है। इस प्राइस में मैं M5 में एक ही मेजर कंप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कैमरा परफॉर्मेंस है, स्पेशली जो HDR परफॉर्मेंस है, उसको थोड़ा सा और बेटर या फिर फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है, जो कि आई गेस पोको कर सकता है एक क्विक अपडेट के साथ। बट उसको छोड़ के आई थिंक दोनों ही फ़ोन अपने प्राइस पॉइंट को यहाँ पर परफेक्टली जस्टिफाई करता है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कर देना। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड पीस।